नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। और अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में सरफिरे आशिक ने गर्लफ्रेंड पर तान दी पिस्तौल, मेडिकल अस्पताल की घटना, गोली नहीं चलने से बच गई युवती की जान। फर्जी दस्तावेज बनाकर प्लॉट हड़पने वाले पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, अजनी पुलिस ने दर्ज किया मामला। और राज्यपाल कोश्यारी आज से तीन दिन के विदर्भ के दौरे पर। और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार का अंधापन मतभेद भुलाकर अच्छाई को अपनाने के लिए हो तो फिर ठीक है। यदि यही अंधापन बदले की भावना में तब्दील हो जाए तो फिर खतरनाक हो जाता है। सोमवार को प्रेम संबंधों में आई खटास के बाद एक युवक ने मेडिकल परिसर में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड की कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। हालांकि उसने गर्लफ्रेंड का काम तमाम करने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन गन से फायर नहीं होने के कारण युवती की जान बच गई। मेडिकल में दिन दहाड़े हुए इस घटना से कई तरह के सवाल खड़े कर दिए है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तरह तरह की चर्चा की जा रही है। जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय युवती मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में बीएससी की पढ़ाई पूरी कर वहीं इंटर्नशिप कर रही है। आरोपी वलनी खापर खेड़ा निवासी विक्की चकोले बताया गया। करीब डेढ़ वर्ष पहले मेनका की फेसबुक पर विक्की की पहचान हुई। दोनों के बीच चैटिंग और बातें शुरू हुई और दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल गई, लेकिन यह प्रेम प्रसंग अधिक दिनों तक नहीं रह सका। करीब 6 महीने पहले युवती ने विक्की से दूरी बना ली थी, इसी वजह से वह परेशान हो गया था। मानसिक तनाव की वजह से वह युवती को धमकाने लगा था। इस बारे में युवती ने पुलिस में शिकायत भी की थी। सोमवार को युवती मेडिकल से घर जाने को निकली थी। विक्की पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। परिसर में मिलने के बाद दोनों के बीच बातचीत भी हुई। इसी दौरान विक्की ने कमर से पिस्तौल निकाल ली। युवती की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर उसने 3 बार फायर करने का प्रयास किया, लेकिन गोली नहीं निकली। उसने खुद की कनपटी पर भी पिस्तौल रखी। आसपास खड़े छात्रों ने चीख पुकार की और सुरक्षा रक्षकों के आते ही विक्की पार्किंग की फेसिंग कूदकर भाग निकला। इस घटना के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। साथ ही मेडिकल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्लॉट हड़पने की साजिश रचने वाले 5 लोगों के खिलाफ अजनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों में अमरनगर चिकली रोड निवासी मंगेश कुंदन सिंह सेंगर, बजरंग नगर निवासी शोभाबाई वामनराव काले, पुरुषोत्तम राव वामनराव काले, लक्ष्मी यशवंतराव चापके और फरसगांव अमरावती निवासी विशाल दिनकर कोचे का समावेश है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी बताया जा रहा है। न्यू बाबुलखेड़ा निवासी प्रशांत ईश्वर जौने की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। प्रशांत ने वंदना रविंद्र चाचेकर नामक महिला से बेसा के जय गुरुदेव नगर में 25 लाख रुपए में 2 प्लॉट खरीदे थे। 15 अक्टूबर को प्रशांत प्लॉट पर साफ सफाई करने गए तो मंगेश और विशाल वहां पहुंचे और प्लॉट पर अपना मालिकाना हक बताया। 16 सितंबर 2020 को प्लॉट खरीदने के दस्तावेज भी दिखाए। प्रशांत ने जांच पड़ताल शुरू की। शोभा काले ने 13 दिसंबर 1991 को यह प्लॉट ईश्वर चिनोरे नामक व्यक्ति को बेच दिया था। चिनोरे की एकमात्र वारिस वंदना चाचेकर ने यह प्लॉट प्रशांत को बेचा। आरोपियों द्वारा दिए गए दस्तावेज फर्जी साबित हुए और पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया। नागपुर पहुंच रहे राज्यपाल, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 3 दिवसीय विदर्भ दौरे के लिए आज पहुंच रहे हैं। मंगलवार की दोपहर 4 बजे विमानतल पर आगमन होगा। 24 नवंबर को सुबह 9 बजे राज्यपाल कोश्यारी अमरावती रवाना होंगे। वे अमरावती में प्रशासकीय इमारत के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद नांदगांव खंडेश्वर तहसील में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की जन्मस्थली पापल में भेंट देंगे। इसके बाद 25 नवंबर की सुबह 9 बजे यवतमाल स्थित गोधनी रोड प्रयास वन में कोश्यारी के हाथों वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही स्वर्गीय जवाहरलाल जी दर्डा की प्रेरणा स्थली पर आयोजित प्रार्थना व वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित होंगे।
इसके बाद कोश्यारी अंग्रेजी माध्यम की शाला की नई इमारत का लोकार्पण व स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगे। नागपुर जिले की 90 ग्राम पंचायतों के रिक्त 116 सदस्य पद के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके तहत आगामी 21 दिसंबर को इस चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव में लोगों के पिछड़ा वर्ग समूह की रिक्त सीटें भरने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत का आरक्षण 50% तक सीमित रखने और लोगों के पिछड़ा वर्ग समूह का आरक्षण 27% रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत लोगों के पिछड़ा वर्ग समूह की अतिरिक्त करार दी गई रिक्त सीट सर्वसाधारण के तौर पर अधिसूचित कर दी गई है। उपजिलाधिकारी तथा ग्राम पंचायत चुनाव प्रभारी अधिकारी के अनुसार इस चुनाव के निर्देश उच्चतम न्यायालय की रीट याचिका पर 4 मार्च के आदेश उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ की रीट याचिका पर 16 अगस्त को दिए गए आदेश तथा बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में दायर रीट याचिका के अंतिम फैसले के तहत दिए गए है, जिसके तहत समूचे नागपुर जिले में 90 ग्राम पंचायतों के रिक्त 116 सदस्य पद के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके तहत आगामी 21 दिसंबर को इस चुनाव के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करते हुए सेवाग्राम से नागपुर विधान भवन पर पेंशन मार्च निकाला गया। यह पेंशन यात्रा सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करते हुए महाराष्ट्र के 36 जिलों में पेंशन जिलों में जन जागृति की जाएंगी। ऐसी जानकारी महाराष्ट्र राज्य जूनियर पेंशन संगठन के अध्यक्ष ने की। योजना हटाओ, जुनी पेंशन मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे। पेंशन आमच्या हक्काची नाही, कुणाच्या बापाची, कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। नमस्कार, मी वितेश खांडेकर, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचा अध्यक्ष व पेन्शन संघर्ष समन्वय समितीचा संयोजक या नात्याने सांगत आहे की ही यात्रा आज सुरू झालेली आहे। ऐतिहासिक भूमी आझाद मैदानमधून सुरू होऊन ही महाराष्ट्रातल्या 36 जिल्ह्यांमध्ये यात्रा करत पेन्शन संदर्भानं जनजागृती करत फिरणार आहे। महाराष्ट्रातल्या तमाम शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना माझी विनंती आहे की या पेन्शन संघर्ष यात्रेमध्ये सहभागी होऊन आपला आवाज, जुन्या पेन्शनचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवायचा आहे। ज्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये पेन्शन संघर्ष यात्रा येत आहे त्या त्या जिल्ह्यांमध्ये सहभागी होऊन आपला जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहून आपला आवाज उद्धव साहेबांपर्यंत पोहोचवून आपल्या जे हक्काची जुनी पेन्शन आहे ती जुनी पेन्शन सरकारकडनं मिळवण्यासाठी आपल्याला आक्रोश करायचा आहे, संघर्ष करायचा आहे। एकाच मिशन, जुनी पेन्शन। इन दिनों नागपुर के खिलाड़ी हर खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर मेडल जीत रहे हैं। हाल ही में जालना में 29वीं जूनियर व सीनियर महाराष्ट्र राज्य तलवारबाजी स्पर्धा आयोजित की गई थी। इसमें नागपुर के खिलाड़ियों ने बहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण सहित 3 पदक हासिल किए। स्पर्धा का आयोजन जिला स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जालना में किया गया था। साइबर इवेंट के टीम वर्ग में नागपुर लड़कियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पीला तमगा हासिल किया। विजेता टीम में श्रुति जोशी, शर्वरी गोसेवाड़े, दिव्यानी नंदा गौली और अनुश्री जगमोहन का समावेश रहा। लड़कों की टीम 7वें स्थान पर रही। साइबर इवेंट के एकल वर्ग में श्रुति जोशी हालांकि स्वर्ण पदक से चूक गई, लेकिन दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ईपी वर्ग की टीम स्पर्धा में नागपुर को कांस्य पदक मिला। इस टीम में लुम्बिनी मेश्राम, दिव्यानी, शर्वरी
और समीक्षा सूर्यवंशी का समावेश रहा। स्पर्धा में नागपुर की टीम ऑल ओवर तीसरे स्थान पर रही। खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय कोच अंकित गजबिये और राहुल मांडवकर तथा माता पिता को दिया। नागपुर जिला तलवारबाजी संगठन के अध्यक्ष अजय सोनटक्के, सचिव मोहम्मद शोएब, नंदकुणाल धनविजय, परीक्षित गोहिया, सागर भगत, आकाश ठाकरे, सुरेश हजारे, मोनल बागड़े, योगेश बन आदि ने सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। वर्षों से प्रलंबित मांगे मान किए जाने की मांग को लेकर राज्यभर में सभी गैर कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की ओर से सोमवार को हड़ताल की गई। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हड़ताल विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी व कर्मचारियों के समर्थन की वजह से सफल रही। कर्मचारी कार्यालय में आए लेकिन काम नहीं किया, इस वजह से दिन भर कामकाज प्रभावित हुआ। वैसे भी विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की कमी गंभीर समस्या बनी हुई है। इस हालात में हड़ताल ने और मुसीबत बढ़ा दी। नागपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में हर दिन हजारों छात्र विविध कामों के लिए आते हैं, लेकिन सोमवार को सब कुछ बंद रहा। हड़ताल में विद्यापीठ पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संगठन, विद्यापीठ कर्मचारी संघ, नागपुर विद्यापीठ बहुजन कर्मचारी संगठन, नागपुर विद्यापीठ सेवक संघ व ऑफिसर फोरम ने हिस्सा लिया। सांकेतिक हड़ताल से पहले कर्मचारियों ने काला फीता लगाकर विरोध प्रकट किया था। अब इस हड़ताल के बाद भी सरकार द्वारा मांगे मान्य नहीं की गई तो भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। आंदोलन में पिछड़ा वर्गीय कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष दिनेश दखने, दर्पण गजबिये, मनोज इंगले, विनोद मते, विजय चौधरी, आकाश भगत, विलास बंसोड़, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मारुति बोरकर, याकूब शेख, नितिन पालकर, कैलाश चिकाटे, विश्वविद्यालय बहुजन संगठन के अध्यक्ष चंद्रशेखर शेलके, प्रशांत वैद, विश्वविद्यालय सेवक संघ के समन्वयक सुधाकर पाटिल, अध्यक्ष प्रवीण गोतमारे, राजेंद्र धर्मारी, प्रभाकर धर्मारी व ऑफिसर फोरम के मनीष झोड़पे, वसीम अहमद सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे। और राज्य में सभी माध्यम के स्कूलों में मराठी विषय को अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडल CBSE, अंतर्राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाण पत्र ICSE, केम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड IB मंडल की स्कूलों के लिए मराठी विषय को बंधनकारक किया गया है, लेकिन अब भी अनेक स्कूलों में मराठी विषय से दूरी बनाए रखी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में रहने के बाद भी कई छात्र मराठी विषय के ज्ञान से वंचित रह रहे हैं। सरकार ने छात्रों में मराठी भाषा का ज्ञान होने के उद्देश्य से सभी मंडल के स्कूलों के लिए मराठी विषय को अनिवार्य किया है। इस संबंध में राज्य के शालेय शिक्षण विभाग ने मराठी विषय अध्ययन अध्यापन में सख्ती करने के लिए मराठी भाषा अधिनियम 2020 बनाया। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से इसे अमल में लाने के आदेश दिए गए थे। राज्य में पहली से लेकर दसवीं तक मराठी भाषा पढ़ाने को अनिवार्य किया गया, लेकिन वर्तमान में देखने में आ रहा है कि केवल मराठी माध्यम के स्कूलों में ही मराठी विषय पढ़ाया जा रहा है, जबकि अन्य बोर्ड की स्कूलों ने अब तक मराठी विषय को अनिवार्य नहीं किया है। हाल ही में शिक्षण संचालनालय ने एक परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार CBSE, ICSE, IB मंडल की स्कूलों में मराठी भाषा विषय पढ़ाना बंधनकारक है। यदि इस आदेश का पालन नहीं होता तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ 1,00,000 रुपए तक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।